गाइस वेलकम बैक टू रखीज यूनिक फूड। आज हम बनाएंगे मसाला ब्रेड। मसाला ब्रेड खाने में बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त लगते हो। खास बात ये कि चटपट से बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मसाला ब्रेड बनाने के लिए इधर हमने 5 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब हम इन्हें इस तरीके से चाकू की सहायता से टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमने ब्रेड को टुकड़ों में डिवाइड करके ले लिया है। अब हम चलते हैं झटपट से मसाला ब्रेड बनाने के लिए। तो इधर मैंने गैस पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा। मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल और ऑयल को गर्म कर लूंगी धीमी गैस पर। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच येलो सीड्स, ये डालने के बाद इन दोनों को चटका लेंगे। और साथ ही में इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर जो हमें प्याज कट करना है वो लच्छों में कट करना है। ये डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को हल्का सॉटे करेंगे। जब हमारा प्याज सॉटे हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही में इसमें डालेंगे बारीक कटी मिर्ची, बारीक कटी हुई गाजर और बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। इसे भी मैंने थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके लिया है। और अब हम सभी चीजों को सॉटे करेंगे। साथ ही में इसमें नमक डाल देंगे क्योंकि ये सब्जियां अभी कच्ची हैं, तो नमक डालने से जो हमारी सब्जियां हैं वो जल्दी पक जाएंगी। यहाँ पर हमें फ्लेम को धीमा रखना है जब हम ये सब्जियां सॉटे करें। 3 से 4 मिनट के अंदर जो सब्जियां हैं वो सॉटे हो जाती हैं। सभी सब्जियां हैं वो हमारी सॉटे हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 सैसे मैंने लिया है मैगी का। इसका काफी अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। ये डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने नमक ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अब हम सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 टेबल स्पून गर्म मसाला। ये डालने के बाद साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। और अब हम आखिर में इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सभी मसाले मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली केचप। इसका काफी अच्छा टैंगी फ्लेवर आता है। और साथ ही में अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच टमाटो केचप। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मसालों में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड जो हमने कट करके लिए थे। ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से ब्रेडों को मिक्स करेंगे। जब हमारे ब्रेड मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके झटपट से गर्मा गर्म ब्रेड मसाला सर्व कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त ब्रेड मसाला है वो हमारा बनके तैयार हो गया। रियली गाइस बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त लगता है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और ओनली 4-5 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको ब्रेड की और भी रेसिपी देखनी है तो मैं उन सभी के लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।